अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। राजस्थान में शुरू हुई 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाएं, कोरोना से बचाव के लिए परीक्षार्थियों को दी जा रही जरूरी ट्रेनिंग। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण अधर में लटकी 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाएं अब प्रारंभ हो गई हैं। तस्वीर में दिख रहा यह भिंडर का भैरवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां छात्र गणित का पेपर देने पहुंचे हैं। प्रधानाचार्य राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि भिंडर मनपा की मदद से स्कूल कॉलेजों को परीक्षा से पहले सैनिटाइज किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। दस्तावेजों की जांच के लिए भी उन्हें घंटे भर पहले बुलाया गया, ताकि वे जल्दबाजी से न घबराएं। उन्होंने कहा कि छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की जानकारी देते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी इंतजामों के बीच परीक्षाएं दिलाई जा रही हैं। हाँ, सब बच्चे आए, एक घंटा पहले इनको बुलाया, हम भी एक घंटा पहले आए और स्कूल को परसों कल नगर पालिका सैनिटाइजेशन कराया सारे कमरों को, और सुबह सब बच्चों के उनको भी सैनिटाइजेशन कराया, सबके मास्क अरे सब चेक करके थर्मल स्कैनिंग विंडर जो हॉस्पिटल है उसमें से आया अतुल आमेटा है, उन्होंने सबकी थर्मल स्कैनिंग की, सबका स्वास्थ्य मतलब ओके है। जैसा कि बोर्ड के नियमानुसार जो भी सेंटर हमने देखे हैं अजमेर से, और सभी जगह बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, सैनिटाइज किए हुए हैं और सारी परीक्षाएँ बहुत बोर्ड के नियमानुसार जल रूप से संचालित की जा रही है। खेलोदा भी देखा है, विंडर के दो स्कूल देखे हैं और कारनौर के दो स्कूल देखे हैं, सभी जगह बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को मास्क भी लगा रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए थे और किसी प्रकार की कोई परेशानी। सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, बोर्ड के नियमों का भी पूरा पालन किया जा रहा है। आज हमारी पूरी टीम ने सुबह से 6:30 बजे से हम लोग फील्ड में हैं, अभी तक हमने देखा सब सही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।